दोस्तों कहा जाता है कि अगर मन शांत हो, मन को पूरी तसल्ली हो और हमारा मन विचारों से मुक्त हो तो समस्याएं चाहे कोई भी हो लेकिन हमारा मन उन समस्याओं का हल निकाल ही लेता है। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा ध्यान समस्याओं पर होता है तब तक हमें समाधान नहीं मिल सकते। जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा और जब तक आप अपने ध्यान को समाधान पर नहीं लगाते तब तक आप अपनी समस्याओं के समाधान को नहीं ढूंढ सकते। और आप अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत पुरानी बात है, किसी नगरी में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु को अपार ज्ञान था, उनकी शक्ति अपार थी। उन्हीं का एक शिष्य भी था जो ध्यान करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। उसने कई बार प्रयत्न किए लेकिन उसका मन ध्यान की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसने अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश की, अपने विचारों को मन से खाली करने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम होती नजर आ रही थी। आखिरकार जब उसने अपनी तरफ से अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली और सभी कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तब उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, वही उसे कोई सही रास्ता दिखा सकते हैं। वह तुरंत ही भागा भागा अपने गुरुवर के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुवर, मैंने ध्यान करने की बड़ी कोशिश की, कई सारे प्रयत्न किए लेकिन मेरे मन के विचार शांत ही नहीं होना चाहते हैं। ये मेरे मन में भरे हुए हैं, मेरा ध्यान एकाग्र ही नहीं हो पा रहा। मैं जब भी ध्यान में बैठ रहा हूँ तो मेरा मन कभी इस जगह पर तो कभी उस जगह पर, ऐसे ही करके यह मुझे सिर्फ नचाए जा रहा है। ऐसे ही मेरे मन में हजारों विचार उमड़ रहे हैं और वह मुझे ध्यान लगाने ही नहीं दे रहे हैं। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि मैं ध्यान करने बैठा था लेकिन मेरा मन कहीं और ही चल रहा है, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा। हे गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से खाली कर दूँ। मेरे मन में मेरे बिना चाहे एक भी विचार नहीं आने चाहिए। जब मैं चाहूँ तभी मुझे कोई ऐसे विचार आए, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने मन को खाली कर सकूं, अपने विचारों को शांत कर सकूं और ध्यान कर सकूं। इस पर उस शिष्य के गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान निकालना हो तो पहले समस्या की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम उस समस्या को ठीक से नहीं समझोगे तब तक तुम उसका समाधान कभी नहीं निकाल सकते। जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, उसे जान जाते हैं, तब हम उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे कि तुम अपने मन को खाली करना चाहते हो लेकिन तुमने अभी अपने मन को ठीक से नहीं जाना। इस पर उस शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, मैं इसे जितना जानने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही रहस्यमयी होता चला जाता है। आगे उस शिष्य के गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ एक छोटा सा घड़ा ले लो और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर यहाँ लेकर आओ। वशिष्य तुरंत ही अपने गुरु की आज्ञा मानकर एक घड़ा लेता है और उस घड़े के अंदर छोटे छोटे
कई पत्थर भरकर वह गुरु के पास ले आता है। आगे उन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये घड़ा तुम्हारा मन है और इस घड़े के अंदर जो भी पत्थर हैं वो तुम्हारे विचार। अब एक काम करो कि इसके अंदर तुम और पत्थर डालो। उस शिष्य ने उस घड़े के अंदर और पत्थर डालने शुरू किए, लेकिन वो घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। जैसे ही वो शिष्य उसके अंदर और पत्थर डालता, वो पत्थर खुद ब खुद घड़े से बाहर आकर गिरने लग गए। यह देख उस शिष्य के गुरु ने कहा कि जरा ध्यान से, तुम्हारा मन अब भर चुका है। इसमें जितने भी विचार यानी जितने भी पत्थर आने थे वो आ चुके हैं। अब अगर तुम इसमें नए पत्थर यानी कि नए विचार डालते हो तो तुम्हें पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। इस पर वशिष्ठ अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। आप मुझसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे अपने विचारों पर काबू करने के लिए पहले अपने मन को खाली करना होगा। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात समझ लो। आगे गुरु ने उस शिष्य से कहा, हमारा मन इस घड़े का बिल्कुल विपरीत होता है। इस घड़े को तुम कुछ पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन हमारा मन एक ऐसा घड़ा है जिसे तुम विचारों से कभी नहीं भर सकते। हमारा मन हमेशा खाली ही रहता है। इस पर उस शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। अगर हमारा मन खाली ही रहता है तो इसमें इतने सारे विचार कहाँ से आ जाते हैं, और ये हमें इतना परेशान क्यों करते हैं, और फिर हमें इन्हें खाली करने की ज़रूरत ही क्यों होती है। आगे उन गुरुवर ने उस शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम इस घड़े के सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उन सारे पत्थरों को उस घड़े से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते वो घड़ा खाली हो गया। आगे उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि तुमने घड़ा तो खाली कर दिया, अब तुम चाहो तो इसमें कोई नए पत्थर डाल सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उन्हीं पत्थरों को दोबारा इसमें भर सकते हो। चाहे तुम उसे आधा भरो या फिर पूरा। इस पर उस शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, ये तो एक घड़ा है, इसमें मैं चाहे कितने भी पत्थर डाल सकता हूँ और निकाल सकता हूँ, लेकिन हमारा मन जो कि ऐसे काम नहीं करता, उसे भला मैं कैसे खाली करूँ। इस पर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, ये भला कैसे हो सकता है, ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि मैं इसमें एक पत्थर डालूं और दो पत्थर निकालूं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मैं जानता हूं कि यह घड़ा चमत्कारिक नहीं है, लेकिन हमारा मन बहुत चमत्कारिक है। जब तुम अपने मन से एक विचार निकालोगे तो उसके पीछे पीछे दो विचार और निकलेंगे। ठीक इसी प्रकार जब तुम उन दो विचारों को पकड़ोगे तो तुम्हारे मन से और भी नए चार विचार निकलेंगे। इसी तरह से जब तुम उन चार विचारों को पकड़ोगे तो ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन से 16 विचार निकलेंगे। और ऐसे ही करते करते हमारे मन में विचारों की एक लंबी कतार तैयार हो जाती है, और हम उन विचारों को पकड़ने का ये जो सिलसिला है उसे कभी नहीं रोकते। एक के बाद हम एक नए विचार पकड़ते जाते हैं और ये जो श्रृंखला है ये और भी तेजी से बढ़ती चली जाती है। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन हमारा मन हमेशा खाली रहता है। हमारे मन की यही माया है कि इसके अंदर सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इस पर उस शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हमारा मन इतना चमत्कारिक है,
कि इसके अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने विचारों के जालों में फिर इसी तरह से फंसा रहूँगा? क्या मैं कभी इन विचार के जालों से निकल नहीं पाऊँगा? क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? कोई तो ऐसा उपाय अवश्य होगा। इस पर उन गुरुवर ने कहा कि अच्छा ठीक है, इस घड़े को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि अब इन पत्थरों से मुझे एक अच्छी सी मूर्ति बना कर दो। गुरुवर जानते थे कि उनका शिष्य एक बहुत अच्छा कलाकार है। उस शिष्य ने पहला पत्थर निकाला, उसमें कुछ दोष नजर आया जिस कारण वो मूर्ति नहीं बन सकी। उसने दूसरा पत्थर निकाला और उस पर भी ठीक वही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन अब की बार भी वह मूर्ति नहीं बन पाई। इसी प्रकार एक एक करके उसने घड़े के सारे पत्थर निकाल दिए और अब भी मूर्ति तैयार नहीं हो पाई। अब गुरुवर ने उस शिष्य से कहा कि तुमने जो पहला पत्थर निकाला था, तुम उसी पत्थर को तराशो और ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई पत्थर नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तब उस शिष्य ने उसी पत्थर पर फिर से काम शुरू किया और देखते ही देखते उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी और अपने गुरुवर को भेंट कर दी। इस पर गुरुवर ने कहा कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। आगे उन गुरुवर ने कहा, जब हमारे पास विकल्प होते हैं, यानी जब हमारे पास और भी रास्ते होते हैं, तो बस हम यूं ही रास्तों में भटकते रह जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होते, तो हम सिर्फ उस रास्ते पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सफल करके दिखाते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम ठीक इन्हीं पत्थरों की तरह सिर्फ पत्थर ही चुनते रह जाते हैं और ना ही तो वो काम सफल हो पाता है और ना ही इन पत्थरों की तरह कभी मूर्ति बन पाती है। हमारा मन भी कुछ इसी प्रकार काम करता है। हमारे मन में सिर्फ एक विचार के पीछे हमारा मन हजारों विकल्प हमारे सामने रख देता है और तब हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कौन से विकल्प के साथ में जाना चाहिए और हम उन्हीं विकल्पों के चक्कर में, उन्हीं विकल्पों के माया जाल में फंस कर रह जाते हैं और हमारा ध्यान उस एक विचार पर नहीं जाता जिसके कारण वो हजारों विकल्प हमारे सामने आए हैं। तभी उस शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह से मैं उस विचार को पकड़ सकता हूँ जो विचार मुख्य है, जो विचार केंद्र पे है? मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई राह बताइए। तभी उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मन को समझना और मन पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो ये संभव हो सकता है। जैसा कि तुम कह रहे थे कि तुम्हें अपने मन को खाली करना है, तो तुम अपने मन को खाली करने का ये जो विचार है, इसे यहीं पर छोड़ दो, इसके जाल में मत फंसो, क्योंकि मन का माया जाल ऐसा है जो तुम्हें फंसाता ही चला जाएगा और तुम वहां से कभी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि एक के पीछे एक विचार ऐसे ही लगे रहेंगे। बल्कि तुम ये कर सकते हो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्र करो और जो भी तुम कर रहे हो उसे अपना अंतिम विकल्प समझकर करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होंगे तब तुम अपना 100% देकर उस कार्य को संभव कर दिखाओगे, जिससे तुम्हारा कार्य में मन भी लगेगा और तुम अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर पाओगे। और इससे तुम्हें एक और फायदा होगा कि तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा नहीं, मन में बेवजह के
वो विचार उत्पन्न नहीं होंगे। मन में ख्यालों की जो श्रृंखला है वो भी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। लेकिन याद रहे कि तुमको इस पर निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। अगर तुम्हें कोई दूसरा काम करना है तो तुमको पूरा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करना होगा, जैसे कि वो तुम्हारा आखिरी विकल्प हो। ठीक उसी प्रकार जब तुम तीसरे कार्य को करने जाओ तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित होना चाहिए कि वो कार्य तुम्हारा अंतिम कार्य है। ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन को तैयार कर सकते हो निरंतर अभ्यास के साथ, और तुम्हें इस अभ्यास को निरंतर करते ही रहना होगा। तभी तुम एक समय पर अपने मन पर काबू पा सकोगे और मन के इस मायाजाल से निकल सकोगे। उस शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया, अब से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। उस शिष्य ने गुरुवर को प्रणाम किया और अपने घर की ओर वापस चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने दिनचर्या के कार्यों में कुछ इस प्रकार व्यस्त रहते हैं कि हम अपने मन को खाली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हम एक विचार को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह पर हम दूसरे विचारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक विचारों के साथ साथ आपके कई और विचारों के विकल्प आपके मन में और पहले से ही आ जाते हैं, जिस वजह से हम कितना भी शांत होने की कोशिश कर लें लेकिन हम शांत नहीं रह पाते, क्योंकि एक के पीछे एक विचार, ये जो श्रृंखला है ये लगातार ऐसे ही बनती चली जाती है और हम इसे कभी तोड़ नहीं पाते, अपने आप को कभी रोक नहीं पाते और इस माया जाल में यूं ही फंसे रह जाते हैं। तो भला इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने का उपाय बड़ा ही आसान है। जब आप अपनी समस्याओं की जगह पर समाधान पर ध्यान देना शुरू कर दें, विचारों को रोकने और उन्हें खत्म करने की बजाय आप अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, ध्यान लगाएं। क्योंकि दोस्तों, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त उस कार्य से जुड़े और भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे समय पर आपको सिर्फ उसी कार्य को करना है जो काम आप कर रहे हैं और उसमें अपना 100% देना है, जिस वजह से बाकी के जो विचार हैं वो खुद ब खुद शांत होने लगेंगे और आपका मन उस कार्य पर और भी गहरा और भी आकर्षक तौर पर लग जाएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, बल्कि चिंतन करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।